नमस्कार, मैं हूं प्रज्ञा। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्खियों पर। रणबांकुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि आज। राज्य में अवैध कमाई पर नकेल कसने की हुई शुरुआत। पटना हाईकोर्ट ने लिया एक अहम निर्णय। बीपीएससी का नया कैलेंडर हुआ जारी। आईपीएल 2023 में इस खिलाड़ी को मिल रही पर्पल और ऑरेंज कैप। इसके साथ ही बढ़ते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। रणबांकुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह की पुण्यतिथि आज। बिहार के लाल और पहले स्वतंत्रता संग्राम के हीरो और 81 साल के रणबांकुड़ा बाबू वीर कुंवर सिंह की आज पुण्यतिथि है। बता दें कि इस भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महानायकों में से एक है। वह अपनी 80 की उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ बगावत की शुरुआत की थी। आपकी जानकारी के लिए बता दें, कुंवर सिंह ने लोगों को जोड़कर बिहार के दानापुर और भोजपुर में हमला कर उन दोनों जगहों को अपने कब्जे में ले लिया था। कुंवर सिंह ने अपनी अंतिम लड़ाई जगदीशपुर के पास 23 अप्रैल 1858 में लड़ी और फिर उस युद्ध में घायल होकर अपनी अंतिम सांसें ली। उनकी बहादुरी को सलाम करने के लिए भारत सरकार के द्वारा उनके नाम पर स्टाम्प भी निकाला गया था और फिर 1993 में बिहार सरकार के द्वारा आरा में उनके नाम पर एक विश्वविद्यालय को खोला गया। बीपीएससी ने जारी किया एडमिट कार्ड। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा सहायक भर्ती प्रारंभिक प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल होने के लिए अपने वेबसाइट पर एडमिट कार्ड जारी कर दिया गया है। इसलिए इस परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थी आयोग की आधिकारिक वेबसाइट www.bpsc.bih.nic.in पर जाकर अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बता दें कि बीपीएससी की ओर से कहा गया है कि आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध घोषणा पत्र को अभ्यर्थियों के द्वारा पूरी तरह से भरा जाएगा और फिर निर्दिष्ट स्थान पर किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभी प्रमाणित रंगीन फोटो लगाकर अभ्यर्थी अपना हस्ताक्षर हिंदी एवं अंग्रेजी में करेंगे और साथ ही उसकी एक प्रति राजपत्रित पदाधिकारी से अभी प्रमाणित होना चाहिए, जिसे केंद्र अधीक्षक को जमा करना होगा। पटना हाईकोर्ट ने लिया एक अहम निर्णय। पटना हाईकोर्ट के फुल कोर्ट के द्वारा एक अहम निर्णय लिया गया है। बता दें कि लिए गए इस निर्णय के तहत राज्य के निचली अदालतों में कोर्ट की शुरुआत प्रातःकालीन हो या 10:30 बजे हो, इसका निर्णय संबंधित जिला जज और वहां के अधिवक्ता संघ के आपसी विचार विमर्श करके लिया जा सकता है। कोर्ट मॉर्निंग करने की स्थिति में सुबह 7 से 12 बजे तक या 7:30 से 1 बजे तक चलाने का निर्देश दिया गया है। इसके साथ ही कोर्ट के द्वारा यह स्पष्ट कर दिया गया है कि किसी भी हालत में अदालतों की काम करने की अवधि 5 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। दरअसल पूर्व में निचली अदालतों में गर्मी के समय प्रातःकालीन कोर्ट होता था, लेकिन कुछ अधिवक्ता संघ की मांग पर इस व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया था, जिसके बाद सभी निचली अदालतों को भी 10:30 बजे सुबह से कोर्ट की कार्यवाही करने का आदेश दिया गया था। लेकिन कुछ अधिवक्ता संघ के द्वारा इस व्यवस्था का विरोध किया गया, जिसके बाद हाईकोर्ट के द्वारा यह निर्णय लिया गया है। राज्य में अवैध कमाई पर नकेल कसने की हुई शुरुआत। सीबीआईसी के डायरेक्टर जनरल ऑफ ऑडिट के द्वारा राज्य में रियल एस्टेट सेक्टर के माध्यम से बड़े पैमाने पर होने वाली मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्त पोषण की रोकथाम को लेकर बिहार रेरा को एक विस्तृत गाइडलाइन जारी किया गया है। बता दें कि इस गाइडलाइन के तहत एजेंसी के द्वारा उन सभी प्रॉपर्टी डीलर, मिडिलमैन, ब्रोकर को आदेश दिया गया है जिनका टर्नओवर सालाना 20 लाख रुपए या उससे अधिक है। बता दें कि ऐसे प्रॉपर्टी डीलर, मिडिलमैन या ब्रोकर को कहा गया है कि वे अपने माध्यम से होने वाले सभी लेन देन का रिकॉर्ड रखेंगे और फिर संदिग्ध ट्रांजैक्शन होने पर निर्धारित समय में प्राधिकार को सूचित भी करेंगे। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि सार्वजनिक नोटिस से जुड़ी जानकारी बिहार रेरा के द्वारा राज्यों के सभी रजिस्टर्ड ब्रोकरों को दे दी गई है। नहीं रहे वरिष्ठ पत्रकार सुनील सौरभ। गया, पटना सहित बिहार के अन्य जगहों पर अपने बेबाक, निष्पक्ष और कुशल लेखनी से पत्रकारिता जगत में अपना परचम लहराने वाले वरिष्ठ पत्रकार सुनील सौरभ का बीते दिन बिहार की राजधानी पटना में स्थित पारस अस्पताल में निधन हो गया। बता दें कि वह विगत 1 माह से बीमार चल रहे थे। वहीं उनके निधन होने से पूरे पत्रकारिता जगत में शोक की लहर है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि उन्होंने अब तक हिंदुस्तान, राष्ट्रीय सहारा, चौथी दुनिया सहित अन्य समाचार पत्र पत्रिकाओं में अपनी सेवाएं दी हैं। वहीं उनके निधन पर बिहार श्रमजीवी पत्रकार यूनियन की गया इकाई के द्वारा शोक व्यक्त किया गया है। 25 अप्रैल को नीतीश और ममता बनर्जी की होगी मुलाकात। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को लेकर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा देश के सभी विपक्षी पार्टियों को बीजेपी के खिलाफ एक साथ जोड़ने की जी तोड़ कोशिशें की जा रही है। बता दें कि इसी कोशिश के तहत 25 अप्रैल को सीएम नीतीश कुमार पश्चिम बंगाल जाने वाले हैं, जहां वह पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी से मुलाकात करेंगे। बता दें कि इस मुलाकात के दौरान सीएम नीतीश और सीएम ममता बनर्जी के बीच विपक्षी एकता की रणनीति पर विचार विमर्श की जाएगी। लेकिन इस मुलाकात को लेकर सबसे बड़ा सवाल यह उठता है कि क्या ममता बनर्जी विपक्षी एकता में शामिल होंगी या उसे होने देंगी। बता दें कि इससे पहले सीएम नीतीश ने विपक्षी एकता को लेकर दिल्ली का दौरा किया था, जहां उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल समेत कई विपक्षी पार्टियों के नेताओं से भेंट की थी।
अच्छा, अतीक अहमद के कसीदे पढ़ने वाले रईस आजम को पुलिस ने थमाया नोटिस। बीते शुक्रवार को राजधानी पटना में पटना जंक्शन स्थित जामा मस्जिद के पास माफिया अतीक अहमद के समर्थन में नारेबाजी करने वाले रईस आजम की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बता दें कि रईस आजम को पुलिस के द्वारा CRPC की धारा 107 के तहत नोटिस भेजी गई है। इसके साथ ही आरोपित के प्रतिबंधित व संवेदनशील क्षेत्र में जाने पर रोक लगा दी गई है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आरोपी रईस आजम के द्वारा अतीक अमर रहे मोदी योगी मुर्दाबाद के नारे लगाए गए थे। वहीं आरोपी की पटना जंक्शन के पास एक बैग की दुकान है। BPSC का नया कैलेंडर हुआ जारी। अगर आप भी BPSC के माध्यम से कोई सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो यह खबर आपके लिए है। बता दें कि BPSC की ओर से सरकारी परीक्षाओं का नया वार्षिक कैलेंडर जारी कर दिया गया है, जिसे आप BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट bpsc.bih.nic.in पर जाकर देख सकते हैं। बता दें कि जारी किए गए इस कैलेंडर में बिहार में होने वाली तमाम बड़ी परीक्षाओं का विवरण दिया गया है। उम्मीदवार चाहे तो कैलेंडर का PDF डाउनलोड या सेव भी करके रख सकते हैं। मालूम हो कि कैलेंडर के अनुसार BPSC 69वीं की प्रीलिम्स की परीक्षा का आयोजन 30 सितंबर 2023 को किया जाएगा। वहीं इसका रिजल्ट 15 नवंबर 2023 को जारी किया जाएगा। वहीं इसके मेंस परीक्षा का आयोजन 9 दिसंबर 2023 को आयोजित किया जाएगा। पटना हटिया वंदे भारत की समय सारणी तैयार। पूर्व मध्य रेलवे के द्वारा पटना से रांची के लिए जाने वाली वंदे भारत ट्रेन के परिचालन को लेकर दो अलग अलग समय सारणी बनाई गई है, जिसका प्रस्ताव रेलवे बोर्ड को भेज दिया गया है। बता दें कि जो समय सारणी बनाई गई है उसके तहत पहले समय सारणी में पटना से ट्रेन सुबह 6:35 बजे रवाना होगी, जो दोपहर 1:20 बजे हटिया पहुँचेगी। वहीं हटिया से ट्रेन दोपहर 2 बजे खुलेगी और रात 8:25 बजे पटना पहुंचेगी। दूसरी सारणी के तहत हटिया से यह ट्रेन 7:55 बजे रवाना होगी और 2:20 में पटना पहुंचेगी, और फिर पटना से ट्रेन दोपहर 3:25 बजे खुलेगी और रात 9:50 बजे हटिया पहुंचेगी। हालांकि ट्रेन के परिचालन तिथि को लेकर अभी तक आधिकारिक तौर पर कोई घोषणा नहीं की गई है, लेकिन इस ट्रेन का परिचालन नए रूट से किया जाएगा। बता दें कि इस ट्रेन की शुरुआत होने से पटना से रांची जाने में लोगों को महज 6 घंटे का समय लगेगा। प्रशांत किशोर ने डिप्टी सीएम तेजस्वी पर साधा निशाना। बीते दिन चुनावी राजनीतिक रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने अपनी पदयात्रा के दौरान वैशाली में लोगों को संबोधित करते हुए राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव पर जोरदार हमला बोलते हुए डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लालू यादव जाति की नहीं परिवार की राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो बस अपने बेटे को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं। यहाँ के लोगों को लगता है कि यहाँ के नेता जाति की राजनीति करते हैं, लेकिन नहीं, यहाँ नेता अपने परिवार और अपने बेटे की चिंता करते हैं। उन्होंने कहा कि जीतन राम मांझी के सीएम बनने से उनकी जाति के लोगों को फायदा मिला। क्या यादव समाज में कोई गरीबी नहीं है? प्रशांत किशोर ने आगे कहा कि अपने बेटे की चिंता करने वाले में लालू यादव अकेले नहीं है। कोई मांझी है, कोई कुशवाहा है, कोई पासवान है, जो इस जाति का नेता है वो अपने और अपने बच्चे की चिंता कर रहे हैं। सुशील मोदी के 10 सवाल पर JDU का पलटवार। बिहार में हुई शराबबंदी को लेकर सुशील मोदी के द्वारा नीतीश सरकार से 10 सवाल पूछे गए थे, जिसको लेकर अब पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव व प्रवक्ता राजीव रंजन के द्वारा भाजपा पर जमकर निशाना साधा गया है। उन्होंने कहा कि अपने 9 वर्षों के शासन में भाजपा देश को तो टॉप पर नहीं पहुंचा पाए, लेकिन जहरीली शराब से होने वाली मौतों के मामले में इसने अपने शासित राज्यों को अव्वल नंबर का जरूर ला दिया है। उन्होंने कहा कि अगर हम आंकड़ों को देखते हैं तो भाजपा शासित मध्य प्रदेश में जहरीली शराब से 1322 लोगों की मौतें हुई हैं, वहीं कर्नाटक में 1013 लोग, उत्तर प्रदेश में 260 से अधिक, जबकि गुजरात के भावनगर में पिछले वर्ष 50 से अधिक लोगों की जानें गई हैं। इसलिए भाजपा को बताना चाहिए कि शराब पर प्रतिबंध न होने के बावजूद उनके राज्यों में ऐसी मौतें क्यों होती हैं, उनके राज्यों में ऐसे मामलों में मुआवजा क्यों नहीं दिया जाता। मंत्री पशुपति पारस ने अतीक अहमद मामले को लेकर दिया बड़ा बयान। केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस के द्वारा शनिवार की शाम को हाजीपुर में मीडिया कर्मियों से बातचीत करते हुए अतीक अहमद के मामले को लेकर एक बड़ा बयान दिया गया है। उन्होंने यूपी सरकार की तारीफ करते हुए कहा कि यूपी में सबसे अच्छी सरकार है, वहां के CM बाबा के नाम से जाने जाते हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि जो क्रिमिनल है उसे मिठाई नहीं खिलाई जाती बल्कि गोली ही मारी जाती है। इसी क्रम में उन्होंने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर तंज कसते हुए कहा कि यहां के CM दया के पात्र हैं, क्योंकि वह कोई फैसला लेने से पहले तेजस्वी की ओर देखते हैं। उन्होंने कहा कि CM नीतीश तेजस्वी की वजह से कोई फैसला नहीं ले पाते। वहीं नमाज के बाद अतीक अहमद को लेकर जो नारे लगाए गए हैं वह आपसी मतभेद पैदा करने की साजिश है। इस नारे के सहारे दंगा फैलाने और देश को बांटने की कोशिशें की जा रही है, यह देश के लिए बेहद दुर्भाग्य है। इस पर कानून बनाना चाहिए।
मायावती ने दिया सीएम नीतीश को बड़ा झटका। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सभी विपक्षी पार्टियों को एक करने की जीतोड़ कोशिशें की जा रही है, तो वहीं दूसरी ओर बहुजन समाज पार्टी सुप्रीमो मायावती के द्वारा सीएम नीतीश को एक बड़ा झटका दिया गया है। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री ने ट्वीट कर सीएम नीतीश पर हमला करते हुए बोला है कि बिहार की नीतीश सरकार द्वारा आंध्र प्रदेश महबूब नगर के रहने वाले गरीब दलित समाज से आईएएस बनने बेहद ईमानदार जी कृष्णैया के निर्दयता से की गई हत्या मामले में आनंद मोहन को नियम बदलकर रिहा करने की तैयारी देश भर में दलित विरोधी नेगेटिव कारणों से काफी चर्चाओं में है। आनंद मोहन बिहार में कई सरकारों की मजबूरी रहे हैं, लेकिन गोपालगंज के तत्कालीन डीएम श्री कृष्णैया की हत्या मामले को लेकर नीतीश सरकार का यह दलित विरोधी व अपराध समर्थक कार्य से देश भर के दलित समाज में काफी रोष है। चाहे कुछ मजबूरी हो, किंतु बिहार सरकार इस पर जरूर पुनर्विचार करे। IPL 2023 में इस खिलाड़ी को मिल रही पर्पल और ऑरेंज कैप। IPL के 16वें सीजन में बीते दिन खेले गए दो बड़े मुकाबले के बाद अब इस खिलाड़ी के सर पर ऑरेंज और पर्पल कैप सजने वाली है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि बीते दिन गुजरात टाइटंस और लखनऊ सुपर जायंट्स के अलावा पंजाब किंग्स और मुंबई इंडियंस के बीच मैच खेला गया था। वहीं अब इन दोनों मैचों के बाद ऑरेंज कैप फाफ डुप्लेसी के सर पर सजने वाली है। दरअसल फाफ ने इस सीजन में 6 मैच खेले हैं, जिनमें अब तक उन्होंने 343 रन बनाए हैं। वहीं अब जिस खिलाड़ी को पर्पल कैप मिलने वाला है वह पंजाब किंग्स का तेज गेंदबाज अर्शदीप सिंह है। बता दें कि अर्शदीप सिंह के द्वारा 7 मैचों में अब तक 13 विकेट चटकाया जा चुका है। जानिए आज बिहार में क्या है पेट्रोल डीजल के रेट। बिहार में आज यानी रविवार को पेट्रोल डीजल के रेट जारी किए गए। इसके बाद राजधानी पटना में आज पेट्रोल 107.22 रुपए और डीजल 94.02 रुपए प्रति लीटर में मिल रहा है। मुजफ्फरपुर में पेट्रोल 107.91 रुपए और डीजल 94.64 रुपए प्रति लीटर मिल रहा है। वहीं पूर्णिया में पेट्रोल की कीमत 108.72 रुपए और डीजल 95.40 रुपए प्रति लीटर है। भागलपुर में पेट्रोल की कीमत 108.26 रुपए और डीजल कीमत 94.97 रुपए प्रति लीटर निर्धारित की गई है। इसके साथ ही गया में पेट्रोल की कीमत 108.31 रुपए और डीजल कीमत 95.04 रुपए प्रति लीटर है। बता दें कि बिहार में पेट्रोल का रेट सबसे ज्यादा किशनगंज में है, जहां पेट्रोल 109.40 रुपए प्रति लीटर और डीजल 96.04 रुपए प्रति लीटर की दर से मिल रहा है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया है उनके नाम है मलिन कुमार, उमेश ऋषिदेव, कुश कुमार यादव, रवि कुमार राज, योगेंद्र रजक, अजीत पोरस, पिट्टू कुमार राज, भान प्रकाश मौर्या, दिव्या चौरसिया, मोहम्मद सकीर हुसैन, शंकर मुखिया, अजीत कुमार, विरोज कुमार, मुटू रंगीला, रवि कुमार राम। इसके साथ ही बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, महागठबंधन सरकार के आने से अब तक बिहार में क्या क्या परिवर्तन आया है। आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, और अगर आप फेसबुक से देखें तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।